बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने बच्चों फिज़िकल बैलेंस के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे लिवर बैलेंस के बारे में। लिवर बैलेंस क्या है? लिवर बैलेंस बेटा, जैसे कि नाम से जाहिर है, लिवर बैलेंस, इसमें एक लिवर होता है जिसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं। अब हमने क्या मेजर करना है, इससे पहले हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस की थी। आज बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये इससे पहले हमने एक पढ़ा था फिज़िकल बैलेंस, ये मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लिवर बैलेंस क्या है। लिवर बैलेंस कंसिस्ट ऑन द लिवर सिस्टम, ये लिवर के सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। सिस्टम के बारे में भी आप जानते हैं, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ लिवर सिस्टम, ये एक लिवर सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। अब आगे काम क्या करना है, आगे काम ये होता है, व्हेन लिवर लिफ्टेड, लिवर कब उठता है या अपनी जगह से कब हिलता है, व्हेन लिवर लिफ्टेड बाय प्लेसिंग, काम आप ये करेंगे, एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पर रखेंगे, एट वन ऑन एक पलड़े पर। जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो लिवर है वो अपनी जगह से हिलेगा या उठेगा। एंड स्टैंडर्ड मासेस, या जो स्टैंडर्ड मासेस हैं, म्यारी मासेस हैं, उनके रखने से भी लिवर अपनी जगह से हिलेगा उठेगा। तो अब काम क्या करना है, आपने देखना है लिवर को, देखना है लिवर को किस तरह देखना है। एंड लिवर इज ब्रॉट टू ज़ीरो, उस लिवर को ज़ीरो पर लाया जाता है। कैसे, बाय प्लेसिंग, रखने से, किस चीज़ के रखने से, प्लेसिंग स्टैंडर्ड मास मासेस ऑन अनदर पैन एंड अदर पान। बेटा ये याद रखेंगे, क्या हमने किया है, लिवर बैलेंस कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है, इसमें दो पलड़े लगे हुए होते हैं जस्ट लाइक दैट, और यहाँ पर लिवर सिस्टम होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिवर लगा हुआ होता है। अब इसका डायरेक्टली ताल्लुक इन पान से होता है। जब आप इस पलड़े के अंदर कुछ रखेंगे तो अब लिवर क्या करेगा, जहाँ ज़ीरो पर है, ज़ीरो की बजाय इस तरफ आएगा। अब इस, हम चाहते हैं कि हमारा बैलेंस तब होगा जब हम इस लिवर को ज़ीरो पर दोबारा लाएं। लिवर तभी ज़ीरो पर आता है, जितना मास हमने इसमें रखा था उतना मास इसमें रखेंगे तो ही लिवर ज़ीरो पर आएगा। ये मैंने लिखा है, इसमें क्या होता है, लिवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ लिवर सिस्टम, ये लिवर सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। व्हेन लिवर इज लिफ्टेड, लिवर कब उठता है, कब यह उठाया जा सकता है, बाय प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट एट वन पान, पलड़े को किसी एक पलड़े के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, एंड स्टैंडर्ड मास या कोई खास मास रखेंगे तो तब क्या होगा, एंड लिवर इज ब्रॉट टू ज़ीरो, किस तरह लिवर को दोबारा ज़ीरो पर लाएंगे, बाय प्लेसिंग स्टैंडर्ड मासेज ऑन अदर पान, दूसरे पान पर उतना ही मास रखेंगे तो तब ये लिवर क्या आएगा, ज़ीरो पर ही आएगा। होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसके अलावा एक और बैलेंस है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ में है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है बच्चों, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और इन डिफरेंट रेंजेस, ये मुख्तलिफ रेंज पर हैं, मसलन मिलीग्राम है, ग्राम है, फिर किलोग्राम रेंज में है, ये मुख्तलिफ रेंज में आते हैं। रेंज मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ पैमाइश कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले जो काम करना होता है इस बैलेंस का, इसको हमने स्विचड ऑन करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, स्विचड ऑन, याद रखें, ऑन ऑफ, बंद या ऑन करने के लिए, चलाने के लिए जो ऑन ऑफ होता है वो हमेशा कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है। हमने सबसे पहले स्विचड को ऑन करना है, यही मैंने लिखा है स्विचड ऑन। उसके बाद हमने क्या करना है, द बैलेंस इज सेट टू बी ज़ीरो,
बैलेंस को हमने जीरो करना है. बैलेंस इज सेट टू बी जीरो. उस बैलेंस को या तराजू को हमने जीरो करना है. याद रखेंगे इसके लिए क्या तरीकाकार है. सबसे पहले इसको स्विच ऑन करना है और उसके बैलेंस को ज़ीरो करना है, या उसकी दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं रीडिंग को ज़ीरो करना है. इसके बाद नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट वेटेड. जिस ऑब्जेक्ट की हमने मास देखनी है नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड. जिस ऑब्जेक्ट को हमने वेट करना है, जिसका हमने वज़न करना है, उसको हमने क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को हमने रखना है. किस ऑब्जेक्ट पर रखना है, जिस ऑब्जेक्ट का हमने वेट करना है उसको हमने रखना है, तो तब क्या होगा, द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट. अब उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर जितना मास है स्क्रीन पर उसके मास के बारे में रीडिंग जाहिर होगा. तो क्या होगा, एंड रीडिंग ऑफ मास इज शोन, दिखाई देगा या उसको आप देखेंगे. तो आपने बेटा काम क्या करना है, या आप यूं कह सकते हैं जो बैलेंस है गिव्स यू द रीडिंग ऑफ मास, मास की रीडिंग देगा. तो बिल्कुल जिस तरह मैंने बेटा आपको बताया है कुछ इस तरीके से होता है. ये ऊपर वाला वो हिस्सा है जिसके ऊपर आप सामान रखेंगे, जो भी आपने इस पर वजन करना है, नापना है, तोलना है. अब यहाँ पर इस तरह रीडिंग है. सबसे पहले यहाँ पर बटन लगा हुआ होता है, आपने इस बटन की मदद से ऑन ऑफ करना है. जब आप ऑन करेंगे तो रेड लाइन में आपने देखा होगा इस तरीके से आपको ज़ीरोज़ नज़र आएंगे, 0.00. अब अगला आपने जब 0.0 हो जाए तो तब आपने क्या करना है, सबसे पहले स्विच डाउन करने के बाद बैलेंस इज सेट टू बी ज़ीरो, या रीडिंग ऑफ बैलेंस भी आप कह सकते हैं, रीडिंग ऑफ बैलेंस. इस तराजू के रीडिंग को आपने ज़ीरो करना है, मतलब जिस तरह मैंने आपको शो किया है. नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट, वो ऑब्जेक्ट जिसका हमने वजन करना है उसको आपने रख देना है. एंड रीडिंग ऑफ द मास इज शोन ऑन, या इट गिव्स, दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं, इट गिव्स द रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड मास मास दैट प्लेस ऑन ऑन बैलेंस. जिस मास को आपने बैलेंस या तराजू पर रखा है उसकी रीडिंग आपको स्क्रीन पर नजर आएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चीनी शुगर रख दिया है तो तब ये क्या होगा, इसकी यहाँ पर आपको कुछ यूँ नज़र आएगा कि ये जो है ये है 1 kg. अब जितना भी आपने मास रख दिया है वो इसकी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा. तो होप आपको इस चीज़ की समझ आई है. अब इन बैलेंस के अंदर सबसे अच्छा बैलेंस कौन सा है, आपने बीम बैलेंस पढ़ा है, आपने फिजिकल बैलेंस पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ा है, फिजिकल या लिवर बैलेंस, ये तकरीबन एक ही चीज़ तसव्वुर की जाती है. अब मैं बात करता हूँ बीम बैलेंस. बीम बैलेंस क्या है बेटा, बीम बैलेंस उर्दू में भी यही नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीम बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस में क्या फ़र्क है. तो मैंने लिख दिया है बीम बैलेंस, फिर मैं आगे लिख रहा हूँ फिजिकल बैलेंस, और मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ये तीन बैलेंस आपने बच्चों पढ़े हैं. अब फर्क ये है, अगर आप बीम बैलेंस को यूज कर रहे हैं तो बीम बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो है लीस्ट काउंट. तो ये बेटा आपने सही तरीके से याद करने हैं, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, बीम बैलेंस की जगह पर लीवर लिख दिया, सॉरी फिजिकल लिख दिया, फिजिकल की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया, अक्सर भूल जाते हैं. लीस्ट काउंट है इसका 3, मतलब इसके लीस्ट काउंट को हम यूँ कह सकते हैं इशारिया के बाद एक डिजिट आ सकता है, इशारिया के बाद एक डिजिट आ सकता है, जिसको आप कह सकते हैं इसकी जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 ग्राम या 100 mg. क्या है, तो मैं इसको दोनों सूरतों में लिखूँगा 0.1 ग्राम, यानी कि कम से कम जो ये पैमाइश कर सकता है वो 0.1 ग्राम का कर सकता है, या कम से कम कर सकता है 100
मिलीग्राम का कर सकता है, ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है, 100 मिलीग्राम। इसी तरह फिजिकल बैलेंस है ये 0.01 ग्राम, कम से कम इसकी लीस्ट काउंट कितनी है 0.01 ग्राम, या इसकी है 10 मिलीग्राम, याद रखेंगे, या 10 मिलीग्राम। यही वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इसकी लीस्ट काउंट है 0.001 ग्राम, या इसको हम कह सकते हैं 1 मिलीग्राम। ये आपने बच्चों याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं लास्ट टाइम मैंने कुछ बच्चों को टेस्ट के अंदर दिया था, तो इवन उन्होंने ये भी लिख दिया है कहीं पर इसके लिए जो इसका यूनिट लिख दिया है, कहीं पर सेकंड लिख दिया है, किसी ने लेंथ लिख दिया है। बेटा याद रखेंगे मास का यूनिट हमेशा ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं। ये कम से कम रीडिंग करता है 0.01 ग्राम है तो 0.01 ग्राम करता है, ये 0.01 ग्राम कर सकता है, ये 0.001 ग्राम। अब इसकी एग्जांपल ये है, एक शख्स ने एक सिक्के को ऊपर फेंका है, जब उसकी मास को लीस्ट काउंट को देखा गया, उसकी मास को बीम बैलेंस की मदद से देखा गया तो उसका मास था 3.2 ग्राम, क्योंकि ये इशारिया के बाद सिर्फ एक ही डिजिट ला सकता है। जब इस पर देखा गया था तो रिजल्ट आया 3., ये मैं आपको बुक वाली रीडिंग बताऊंगा, 3.24 ग्राम। जिसने 3.24 ग्राम क्यों दिया है, क्योंकि इशारिया के बाद दो डिजिट आ रहे हैं, इसने दिया था 3.247 ग्राम। क्यों इसने 3.247 ग्राम दिया था ये भी हमें पता है, क्योंकि इसके इशारिया के बाद के जो डिजिट हैं 0.001, तीन डिजिट है तो इसने रीडिंग 3 तक दी है, इसमें 2 डिजिट थे तो इसने 2 तक दिए हैं, अब इसने एक इसमें डिजिट था तो इसने 1 तक दिया है। एक और बात याद रखना है, इनमें से बेहतर कौन सा है, ये सबसे अच्छा है, ये बेहतर है, आखिरी नंबर इसका आएगा। होप आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी।